हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आते ही राफेल ने ड्यूटी संभाल ली। चीन से तनातनी के बीच राफेल के विमानों को लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। एलएसी पर राफेल चीन पर दिन रात निगाह रख रहा है। राफेल को आपने अब तक कुछ इस तरह देखा है, कभी आकाश में उड़ते हुए तो कभी कलाबाजियां खाते हुए। लेकिन अब ये सारी तस्वीरें पीछे रह गई हैं, क्योंकि राफेल काम पर लग गया है। अब दिखाई दे रही हैं कुछ इस तरह की तस्वीरें, पहाड़ियों के बीच शान से उड़ान भरते हुए। ये तस्वीरें पूर्वी लद्दाख की हैं, जहां एलएसी पर भारत चीन की तनातनी चल रही है और राफेल अब कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की ड्यूटी बजा रहा है। भारत चीन तनाव के बीच एलएसी पर विमानों की पेट्रोलिंग जारी है, लेकिन अब सुखोई MiG-29, Mirage 2000 और तेजस के साथ साथ राफेल ने एलएसी की निगहबानी शुरू कर दी है। सितंबर को अम्बाला में इंडक्शन सेरेमनी के दौरान भी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया ने साफ बता दिया था कि राफेल पूरी तरह तैयार है। राफेल के पायलट्स दूसरे फाइटर पायलट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहां तक कि वेपन प्रैक्टिस भी। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। इनमें से 5 भारत पहुंच चुके हैं और वायुसेना की अम्बाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बन चुके हैं। 5 विमान अगले महीने यानी अक्टूबर में भारत आएंगे। भारत को राफेल की तैनाती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि चीन लगातार एलएसी पर लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा रहा है। भारत से सटे चीन के मुख्य एयरबेस तिब्बत की राजधानी ल्हासा, नगरी गुनसा, कासनगर, निगनची, शेनान इत्यादि हैं। यहाँ पर चीन के J-20, J-11 और सुखोई तैनात रहते हैं। चीन ने अपनी सेंटर थिएटर कमांड के बॉम्बर H-6 और Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत से सटी सीमा पर तैनात कर दिया है। इसके मायने ये हैं कि चीन की अकेली थिएटर कमांड भारतीय वायुसेना से टक्कर लेने में पूरी तरह सक्षम नहीं दिख रही है, इसलिए सेंटर कमांड की मदद लेनी पड़ रही है। चीन की सेंटर थिएटर कमांड राजधानी बीजिंग के आसपास वाले इलाके की सुरक्षा करती है, जबकि वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत से सटी 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी को देखती है। चीन के पास करीब 3000 फाइटर जेट्स हैं, जबकि भारत के पास 2000 लड़ाकू विमान हैं। इस बीच खबर यह है कि जल्दी एक महिला पायलट रफाल लड़ाकू विमान उड़ा सकती है। इस वक्त भारतीय वायुसेना में 10 महिला फाइटर पायलट हैं, इनमें से एक महिला पायलट को अम्बाला स्थित गोल्डन स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा।